दोस्तों, हमारे देश में भ्रष्टाचारियों ने जड़ें इतनी मजबूत तरीके से जमा रखी हैं कि चाहे कोई भी सरकार आ जाए और कितने भी नियम कानून बदल जाएं, ये भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार करने की कोई ना कोई टेक्निक ढूंढकर निकाल ही लेते हैं। इन भ्रष्टाचारियों के लिए भ्रष्टाचार करने का सबसे बड़ा जरिया है नकली नोट का कारोबार। जी हाँ दोस्तों, भारत में नकली नोटों का कारोबार इतने धड़ल्ले से चलता है कि जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। नकली नोट छापने वाले यह बदमाश इतने शातिर होते हैं कि यह बहुत ही सटीकता से नकली नोट छापते हैं। इनके द्वारा छापे गए नकली नोट कुछ ऐसे होते हैं कि अच्छे से अच्छा बैंक का अफसर भी नकली नोट को पहचानने से चूक सकता है। लेकिन आखिर कैसे यह नकली नोटों का इतना बड़ा कारोबार चलता है और कैसे छपते हैं नकली नोट, इन सभी सवालों के जवाब आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। इसके साथ ही इस वीडियो में हम नकली नोटों का कारोबार चलाने वाले उन ग्रोहों के बारे में भी बताने वाले हैं जिन्होंने नकली नोट छापने में महारत हासिल कर ली थी। तो दोस्तों, जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, नकली नोट के कारोबार और भ्रष्टाचारियों के द्वारा जमा किया गया काला धन बाहर निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा नोटबंदी की गई थी। नोटबंदी की वजह से कई सारे कारोबारियों के काले धंधे एक ही रात में चौपट हो गए थे। इनमें नोट छापने वाले कारोबारी भी शामिल थे। लेकिन जैसे ही देश में नई करेंसी लागू हुई, वैसे ही इन काले कारोबारियों ने नोट छापने का धंधा फिर से शुरू कर दिया। RBI ने एक रिपोर्ट जारी की थी। वो रिपोर्ट साल 2020 से लेकर 2021 तक की थी। इस रिपोर्ट में कहा गया, इस एक साल के दरमियान देश में कुछ 5,45,00,000 रुपए की नकली नोट बरामद किए गए हैं। दोस्तों, RBI के द्वारा जारी किया गया ये आंकड़ा पिछले 5 साल का सबसे बड़ा आंकड़ा था। इतना ही नहीं बल्कि RBI के मुताबिक साल 2021 में 100 रुपए के कुछ 11,10,336 नोट पकड़े गए जिनकी कुल वैल्यू 1,10,73,600 रुपए थी। दोस्तों, साल 2020 से 21 में 500 रुपए के कुल 39,453 नोट पकड़े गए। वहीं उसी समय कुल 1,75,96,002 के नोट बरामद किए गए। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह आंकड़ा उन नोटों का है जो रेड डालने के बाद पकड़े गए हैं। इसके अलावा भी करोड़ों रुपए के नकली नोट आज भी मार्केट में सर्कुलेट हो रहे हैं। दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि यह नकली नोट छापने वाले बदमाश आखिर कैसे इतनी सफाई से ये नकली नोट छाप लेते हैं और लोगों को चूना लगा देते हैं। ऐसे में आपके दिमाग में यह ख्याल तो जरूर आता होगा कि शायद यह नकली नोट छापने वाले काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे और टेक्नोलॉजी के जानकार होंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई सारे नकली नोट छापने वाले बदमाश पूरी तरह से अनपढ़ हैं जिन्होंने इंटरनेट और यूट्यूब के माध्यम से नकली नोट छापने की कला सीखी है। नोटबंदी के बाद दिल्ली पुलिस ने एक नकली नोट छापने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया था। उस गिरोह में सभी लोग 25 साल की उम्र के आसपास के थे। बता दें कि वो बदमाश ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स किया हुआ था। ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स उन्होंने कोई अच्छा काम करने के लिए नहीं बल्कि नकली नोट छापने के लिए इस्तेमाल किया। यह लोग नकली नोट छापने में इतने ज़्यादा माहिर हो गए कि उन्होंने सिर्फ 1.5 महीने में ही 7,00,000 नकली नोट छाप दिए थे। इन नकली नोटों को यह लोग रात के समय में वीकली मार्केट में इस्तेमाल किया करते थे। रात का समय होने के कारण नोट की बारीकी देखी नहीं जा सकती थी, इसलिए कई लोग इनकी ठगी का शिकार भी हो जाते थे। गिरोह में शामिल दो लड़के एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे। इसी समय आपस में इन दोनों का झगड़ा हो जाने के कारण एक दूसरे से अलग होकर यह नकली नोट छापने लगे। यह लोग सिर्फ 100 रुपए के ही नोट छापते थे, लेकिन जैसे जैसे इन्हें नकली नोट के कारोबार से बड़े फायदे होने लगे, वैसे ही उनके अंदर की लालच बढ़ती चली गई और फिर दोनों एक साथ आ गए। इसके बाद दोनों ने एक साथ मिलकर 500 और 2000 के नकली नोट छापना शुरू कर दिया। नकली नोट बनाने के लिए यह लोग स्कैनर और प्रिंटर का इस्तेमाल करते थे। सबसे पहले नकली नोट बनाने के लिए कंप्यूटर में उसका डिजाइन तैयार किया जाता था। यह डिजाइन नकली नोट को स्कैन करके बनाया जाता था। नकली नोट जिस पेपर पर छापे जाते थे वो पेपर भी इम्पोर्टेड होता था। इतना ही नहीं बल्कि असली नोट पर जो RBI की हरे रंग की पट्टी होती है, उस पट्टी को भी उस पेपर पर बहुत ही सटीक तरीके से चिपकाया जाता था। पेपर को टच करने पर बिल्कुल वैसा ही महसूस होता था जैसा कि असली नोट का पेपर होता है। इसके बाद कलर प्रिंटर के माध्यम से डिजाइन किए गए नोट को पेपर पर छाप दिया जाता था। इस तरह से एक पेपर में 4 नोट छापे जाते थे जिसे बाद में काट कर अलग कर लिया जाता था। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि RBI की तरफ से नोटों के सिक्योरिटी के लिहाज से कई सारे सिक्योरिटी फीचर भी नोट में डाले जाते हैं ताकि नकली नोट छापने वाले उसकी कॉपी ना बना सकें। लेकिन यह ठग इतने ज़्यादा शातिर होते हैं कि इन सभी सिक्योरिटी फीचर्स को बहुत ही बारीकी से नोट में इंस्टॉल करते हैं ताकि किसी को जरा भी भनक ना लगे। इतना ही नहीं बल्कि उस पेपर पर गांधी जी की तस्वीर का भी बाटर मार्क बनाया जाता है। दोस्तों, नकली नोट छापने वाला ऐसा ही एक और बदमाश राजस्थान के जयपुर से भी पकड़ा गया था। ब्रजेश नाम का यह शख्स मध्य प्रदेश के ग्वालियर का रहने वाला था।
लेकिन काम की तलाश में यह राजस्थान के जयपुर जा पहुंचा। इसे इसके छोटे भाई का इलाज करवाने के लिए पैसों की जरूरत थी, लेकिन काफी कम समय में इतने ज्यादा पैसे कमाना लगभग नामुमकिन था। इसलिए इस आदमी ने नकली नोट छापने का काम शुरू कर दिया। इसने यूट्यूब के माध्यम से नकली नोट छापने की कला सीखी। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह आदमी पूरी तरह से अनपढ़ है और इसे पढ़ना लिखना तक नहीं आता, लेकिन नोट छापने में यह इतना माहिर हो गया था कि इसके द्वारा जो नोट बनाए जाते थे उन्हें पहचानना नामुमकिन था। सिर्फ 5 महीने में ही इस आदमी ने 8 लाख नकली नोट छाप दिए थे। जानकारी निकालने पर पता चला कि इस आदमी को 1 लाख नोटों के बदले 40,000 रुपए मिलते थे। यह कोई छोटी रकम नहीं है दोस्तों। बिना किसी मेहनत के 40,000 पाकर इस आदमी के मन में और भी ज्यादा लालच आ गया और इसने नोट छापने का कारोबार आगे बढ़ाने के लिए घर भी किराए पर ले लिया। उसके बाद रात के समय में यह आदमी नकली नोट छापता था और दिन में शराब के ठेके वालों से सौदा करके उन्हें नोट बेचता था। दोस्तों, नकली नोटों का कारोबार करने वाली एक और गिरोह का पर्दाफाश उत्तर प्रदेश में भी हुआ था। इस गिरोह में काफ़ी सारे लोग थे जिनके पास बहुत सारे लैपटॉप, स्कैनर, प्रिंटर और बहुत सारे मोबाइल भी जब्त किए गए थे। साथ ही साथ इनके पास से 35,000 रुपए की नकली नोट भी बरामद किए गए थे। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह थी कि इस गिरोह का जो प्रमुख आदमी था वो केवल 5वीं पास था। कम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी यह लोग नोट छापने में इतने माहिर थे कि एक्सपर्ट तक इनके द्वारा बनाए गए नकली नोटों को पहचान नहीं पाते। दोस्तों, इसके द्वारा बनाए गए नकली नोट काफी कम खर्च में बनते थे। जानकारी के मुताबिक 10,000 के नोट बनाने में इन्हें सिर्फ 450 रुपए का ही खर्च आता था। नकली नोटों का कारोबार यह काफी जोरों शोरों से चलाया जाता था। यह लोग नकली नोट छापकर उन्हें सेल्समैन के जरिए शराब के ठेके पर बेचा करते थे, जिसके बाद 10,000 रुपए के नोट के बदले इन्हें 5,000 रुपए मिलते थे। जो आदमी ठेके पे बैठा होता था वो नशे में धुत लोगों को वही नोट चेप दिया करता था, जिसमें उसका भी बैठे बैठे 5,000 रुपए का फायदा हो जाता था। लेकिन आखिरकार इस ग्रोह का पर्दाफाश हो गया और भंडा फूटने के बाद इन सभी को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। दोस्तों, यह थे नकली नोट छापने वाले बदमाश और उनके द्वारा बनाए जाने वाले टेक्निक्स। अगर आप भी रोजाना कैश का उपयोग करते हैं तो पैसों की ठीक से जांच परख कर लीजिए, ताकि आप भी नकली नोट बनाने वालों के शिकार ना हो जाएं। वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते ही आप तक जरूर पहुंचे। धन्यवाद।